मेरा सर मेरे शरीर से अलग कर दीजिए, किंतु आपकी न्याय व्यवस्था में मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करने की प्रथा तो अवश्य होगी, या वो भी नहीं है मुगल राज्य में? क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? ये चलाया तीर पंडित रामाकृष्णा ने, वाह जी। क्या है वजीर मलिक जी, मैं अपने वचन का बड़ा पक्का हूँ। बेवकूफ, ये मत भूलो कि तुम्हारी गर्दन भालों के सायों से घिरी हुई है। अगर तुम्हारे सीने में कोई दफन राज है तो जुबान खोलो। जी जैसा मैंने कहा, मैं अपने वचन का बड़ा पक्का हूँ, तो मैंने किसी को वचन दिया है बस वही पूरा करना चाहता हूँ। अभी तुम कहोगे कि जिसको तुमने जुबान दी है वो विजयनगर में है, यहाँ से भागकर विजयनगर जाने की तरकीब सोचकर तूने अपना वक्त जाया किया है, और इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं है। नहीं नहीं, यही इधर आगरा में ही। वो क्या है जहाँपना, मैं जब आपके नगर में प्रवेश कर रहा था तो मुख्य द्वार पर आपके सुरक्षा कर्मियों ने प्रवेश प्रस्थान पंजीकरण पुस्तिका पर मेरे अंदर जाने का समय और मेरे नाम के साथ मेरे हस्ताक्षर लिए, और एक सिपाही ने ये कहा था कि जिस तरह अंदर जा रहे हो उसी प्रकार बाहर आते समय बाहर जाने का समय और हस्ताक्षर अवश्य करना। मैंने उसे वचन दिया था कि मैं सारी औपचारिकता बिना भूले पूर्ण करूंगा। मैं बस उसी प्रवेश प्रस्थान पंजीकरण पुस्तिका पे हस्ताक्षर करना चाहता हूँ। ये कैसी मूर्खतापूर्ण अंतिम इच्छा मांग ली पंडित रामाकृष्णा ने। वजीर मलिक, सरहद के हिफाजती दस्ते के आला को बुलवाओ। जी हुजूर। आप राज्य के सदन में कब दाखिल हुए? सुरक्षा अधिकारी महोदय, मैंने कल प्रवेश किया था। पंडित रामाकृष्णा भय से बौखला गए हैं, इसलिए ऐसी मूर्खतापूर्ण इच्छाएं कर रहे हैं। क्षमा मांगने के स्थान पर हस्ताक्षर करने की बात कर रहे हैं। इनको लगता है हस्ताक्षर करके इनका नाम इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाएगा। अब कुछ भी हो गुरुजी, किंतु ये सब अनहोनी जो पंडित रामाकृष्ण के साथ घटित हो रही है ना, उसका कारण केवल और केवल आप ही हो। हाँ, हाँ, हम कैसे? सबसे पहले सुबह आपने उन्हें दर्शन दिए, अपने अश्रु हाथों से उनकी आरती उतारी, उनका तिलक किया, अब देखो भुगतो परिणाम। क्या वो गफूर मियाँ, कहाँ दर्ज है पंडित रामाकृष्ण की रियासत की सरहद में दाखिल होते वक्त के दस्तखत? हस्ताक्षर नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने कल कोई हस्ताक्षर किया ही नहीं था। क्या ये क्या बेहूदगी है, तुमने दस्तखत किया ही नहीं, फिर भी तूने ये आखिरी ख्वाहिश बताई। बेअक्ल, ये मत सोच कि देरी करने से तेरी सजा टल जाएगी। वजीर मलिक, बंद करो अपनी बकवास। पंडित रामाकृष्णा ने अपना नाम दर्ज किया ही नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि बिना नाम दर्ज किए इसने सरहद पार कर ली। सवाल यह है कि इस तरह इसे घुसने किसने दिया? क्या कर रहे थे तुम लोग सब उस वक्त? बिना तलाशी बिना नाम दर्ज ये अंदर कैसे आया? बोलो। इसने हमारे बंदोबस्त में गलती निकाली है, शहंशाह बाबर के बंदोबस्त में। यह हो कैसे गया, इसका जवाब तुम सब पंडित रामाकृष्णा को नहीं हमें दोगे। जी हुजूर। जहां पना ऐसा ही होता है, जब आपके राज्य में कुशल नहीं केवल जी हुजूरी करने वाले कर्मचारी होते हैं, वो अपना कर्तव्य भूलकर केवल जी हुजूरी करते हैं। ऐसे में राज्य की सुरक्षा जैसा महत्वपूर्ण दायित्व भी भगवान के भरोसे होता है। अब आप मुझे बताएं, जब आपके राज्य की आंतरिक सुरक्षा पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो ऐसे में आप विजयनगर पर आक्रमण करने की बात कैसे कर सकते हैं? माफ कर दीजिए जहांपनाह, खादिम से गलती हो गई, हम जल्द ही सारा बंदोबस्त दुरुस्त कर देंगे। वजीर, ले जाओ उसे और सूली पलटका दो। माफ कर दीजिए जहांपनाह, माफ कर दीजिए। जहांपनाह, मैंने सुना है कि जो आपके काम आता है आप उसे पुरस्कृत करते हैं। हाँ तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर करके मैंने आपकी थोड़ी सी भी सहायता की है,
तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस सुरक्षा कर्मी को क्षमा कर दें। क्या सल्तनत के किसी भी फैसले में बोलना हमारे दायरे के बाहर है, और तुम तो इस दरबार के हो भी नहीं। दंड यदि क्षमा नहीं किया जा सकता तो कम से कम आजीवन कारावास में तो बदला जा सकता है ना। वजीर मलिक। जी हुजूर। सजा उम्र कैद में तब्दील कर दो। वाह, सच में बहुत चालाक हो पंडित रामकृष्ण। हाँ, हमारी संगत का असर है। धन्यवाद जहांपना, इस परोपकार के लिए धन्यवाद। इतने खुश क्यों हो? तुम्हारी सजा अभी भी कायम है। परंतु कैसे? लगता है तुम्हें बार बार ख्यालों में चले जाने की बीमारी है। तुम्हारा सर कलम करने की सजा सुनाई जा चुकी है। और मेरी अंतिम इच्छा का क्या? आखिरी ख्वाहिश? वो क्या है जापना? जब मेरा नाम प्रवेश करते समय ही नहीं लिखा गया तो प्रस्थान करते समय कैसे लिखा जा सकता है? अर्थात आप मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते, इसलिए आपको मेरे दंड का निर्णय स्थगित करना होगा, क्योंकि आपने मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया था, और वचन ना निभाना आपके आदर्शों के विरुद्ध है। ठीक है पंडित रामकृष्ण, आज तुम्हें हमारी दीवी जबान ने बचा लिया, पर बहुत जल्द हम तुम्हारे और तुम्हारे विजयनगर के मुकद्दर का फैसला कर देंगे। अरे, उस एक क्षण में हमें लगा कि पंडित रामकृष्ण की जीवलीला समाप्त हो गई। उसका दुष्परिणाम ये होता कि अगली बारी हमारी होती उन नरभक्षी भेड़ियों के बीच में। जितनी बार भी आगरा के दरबार में गए एक ही दृश्य दिखाई दिया। इसका गला काट दो, इसे सूली पे चढ़ा दो, इसे हाथी के पैरों के नीचे को चलवा दो। अरे शहंशाह बाबर को इसके अलावा कुछ आता भी है कि नहीं? मच्छर। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता। अरे जब किसी की सुननी नहीं है, किसी को बोलने देना नहीं है, तो इतना बड़ा दरबार सजाने से क्या फायदा? अरे पंडित रामकृष्ण, सोचो कुछ सोचो। क्या आकर तुम्हारी बुद्धि प्रभावहीन क्यों हो गई है? ये मुगल हैं, इनकी सोच को अपने अंदर उतारो। ये ईमानदारी से खेल नहीं खेल रहे हैं, ये कपट कर रहे हैं। पंडित रामकृष्ण, इनके लिए युद्ध में सब कुछ सही है। अरे पंडित रामकृष्ण, यहाँ हमारी जान अधर में लटकी पड़ी है और तुम बुत बने खड़े हो। देखो, यदि तुम्हारी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है तो हमारी बुद्धि से कार्य लो। हमारे विचार से यहां से बच निकलने का केवल एक रास्ता है, हम यहां से भाग निकलते हैं। रुवर, यदि वो कपट से खेल रहे हैं तो उन्हें कपट से खेलने दीजिए, किंतु हम अपने आदर्शों की सीमा में रहकर चतुराई से ही खेलेंगे। पंडित रामकृष्ण, समझो कि आदर्श भरा जितना जीवन जीना है विजयनगर में जी लेना। यहां परिस्थितियां भिन्न है, यहाँ आदर्श के शस्त्र का उपयोग हमारे गले में हार का हार अवश्य डलवा देगा। नहीं गुरुवर, हम नहीं हारेंगे। तो कैसे नहीं हारेंगे? यदि वो तुम्हारे चुटकुलों पर नहीं हंसेंगे तो हार हम पर हंसती रहेगी। अरे कब संधि होगी, कब युद्ध रुकेगा? विरोधी को हराना है तो उसकी कमजोरी को जानना आवश्यक होता है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कब्बन मियाँ की कमजोरी मेरी आंखों के सामने है और मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। कमजोरी नहीं, शक्ति कहो पंडित रामकृष्ण। मुंह खोलता नहीं कि लोग हंसने लगते हैं। जितना लोग हंसते हैं उतना वो पान चबाता है। डब्बी खोलता है, पान मुंह में डालता है, पचर। पान मुंह में गया चुटकला बार। गुरुवर एक क्षण। क्या एक क्षण पंडित रामकृष्ण? शांति रखिए। पंडित रामकृष्ण, हमें शांत रहने के लिए क्या रहे हो? हम परदेश में अवश्य हैं, लेकिन यहाँ भी हम तुम्हारे राजपुरोहित राजगुरु तथाचार्य हैं। वाह गुरुवर, कब्बन मियाँ की जो कमजोरी मैं नहीं देख पाया वो आपकी आंखों में आ गई। आंखों में आ गई? हमारी आंखों में आ गई?
हाँ, पान गुरुवर पान, कब्बन मियाँ की कमजोरी और शक्ति दोनों। गुरुवर, कल मैं जीत सकता हूँ और मेरी जीत का सहरा आप तीनों के सर पे बन सकता है। वो कैसे? आपको कब्बन मियाँ के डिब्बी में से सारे पान चुराने होंगे। अरे हम क्यों पान चुराएं? हम तो पान खाते नहीं है। गुरुवर, आप नहीं खाते, कब्बन मियाँ तो खाते है ना। और क्योंकि कल सबकी दृष्टि मुझ पर होगी, ये कार्य आप तीनों को ही करना होगा। कल की हमारी जीत आपके इसी काम पर निर्भर करती है। कोई आ रहा है। चलो हमारे साथ अभी इसी वक्त। पर कहाँ? इतनी रात को? चुपचाप चलो, वरना वजीर मलिक की जबरदस्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पंडित रामकृष्ण, परंतु बताइए तो सही, आप इतनी रात को मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? सिपाहियों, परंतु बताओ तो सही, कहाँ लेकर? चुपचाप चलो। अरे पर कहाँ लेकर? अरे सुनी, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पंडित रामकृष्ण की रक्षा करना। अगर ये भागने की सोचे भी तो इसकी गर्दन उड़ा देना। वजीर मलिक महाशय, मेरी प्रतियोगिता तो आपके साथ होनी चाहिए थी, क्योंकि उपहास तो कब्बन मियाँ से आप अधिक अच्छा करते हैं। क्या कहा तुमने? हम वजीर मलिक हैं, इस सल्तनत के सबसे खास दरबारी। तुम किसी लतीफा खोर की तरह जुबान नहीं, तलवार चलाते हैं। या तो तुम जैसे गुस्ताख खामोश हो जाते, या तो हम उन्हें खामोश कर देते हैं। नहीं, वो मुझे लगा कि आप कल्पना कर रहे हैं कि मैं पहले आपको अपने वश में करूंगा, फिर आपकी गर्दन पर तलवार रखूंगा और इन सबको मारने के बाद आपके माध्यम से यहाँ से भाग जाऊंगा। वजीर मलिक जी, मुझे देखिए, मैं किसी भी प्रकार या रूप से आपको ऐसा लगता हूँ? नहीं। तो फिर ऐसा सोच सोच कर डर क्यों रहे हैं? फूंक फूंक कर कदम क्यों बढ़ा रहे हैं? थोड़ा जल्दी चलिए। ज्यादा होशियारी या भागने की कोशिश की तो मेरी तलवार और तुम्हारी गर्दन के बीच में फासला नहीं रहेगा। हाँ भाइयों, देख रहा हूं, रख लिया। ये देखो पंडित रामकृष्ण, फौजी दस्ता 3 दिनों में मैदाने जंग पहुंच जाएगा, उसके बाद हमला, और वो भी तीनों ओर से हमला, और फिर विजयनगर का नामो निशान इतिहास से मिट जाएगा। तुम्हारे यहां आने से पहले दूसरा फौजी दस्ता भी रवाना हो चुका है। पहला दस्ता विजयनगर की फौज की नाक में दम कर देगा और दूसरा दस्ता पीछे से हमला करके दम निकाल लेगा। फिर विजयनगर में सिर्फ खून बहेगा, खून ही खून, और कोई भी नहीं बच पाएगा। पंडित, अफसोस, अब यह जंग टाली नहीं जा सकती। अगर तुम कल दरबार में जीत भी गए तो संधि के दस्तावेज लेकर 3 दिन में कभी विजयनगर नहीं पहुंच पाओगे। अब हमारा मशवरा सुनो। जब जंगल में आग लगती है तो बचता वही है जो आग से मुकाबला करने की बेवकूफी छोड़ वक्त रहते वहां से भागता है। तुम रातों रात यहां से निकल जाओ और अपने खानदान की सलामती के बारे में सोचो। कल अगर तुम दरबार में हार गए तो फांसी तुम्हारा आखिरी मुकद्दर बन जाएगा और साथ ही तुम्हारे खानदान का मुस्तकबिल भी बीच में ही लटकता रह जाएगा। समझो, जंग शुरू हो चुकी है। भागो पंडित, जाओ और अपने खानदान को बचाओ। हम कहते हैं भागो, भागो यहां से।
जापना, क्या यह पंडित यहाँ से भागेगा? अगर नहीं भी भागेगा तो रात भर इसका दिल इसके दिमाग से लड़ता रहेगा और ये अपने खानदान की सलामती के बारे में सोचते सोचते इतना टूट जाएगा कि कल ये मुकाबला ही नहीं कर पाएगा, और भाग गया तो किस्सा ही खत्म। समझ लो, इस जंग में सिक्के के दोनों पहलू हमारे हाथ में है। क्या बात है महामंत्री जी, संदेश शुभ है या अशुभ? महाराज, अभी अभी हमारे गुप्तचरों ने यह सूचना भेजी है कि बाबर की सेना विजयनगर से 3 दिन की दूरी पर है, अर्थात 3 दिन में विजयनगर पर आक्रमण होगा। महामंत्री जी, मुगल सेना के विजयनगर की ओर बढ़ते हुए कदमों से हम चिंतित नहीं हैं। उनके इस आक्रमण को, इस दुस्साहस को ध्वस्त करने का साक्षम्य हमारी सेना रखती है। चिंतित हम पंडित रामकृष्ण को लेकर हो रहे हैं। बाबर ने अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश दे दिया है, कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं है कि पंडित रामकृष्ण अपने उद्देश्य में विफल हो गए हो? बस यही एक प्रश्न है महामंत्री जी, जिसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। महाराज, एक प्रश्न तो हमारे पास भी, यदि पंडित रामकृष्ण का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं कि पंडित राम नहीं? महामंत्री जी, यदि पंडित रामकृष्ण को संकट की परछाई ने भी छुआ होगा ना, तो हम बाबर को और समस्त मुगल सल्तनत को जड़ से उखाड़ देंगे। महामंत्री जी, जड़ से उखाड़ देंगे। संभवतः उन्हें ज्ञात नहीं है कि इस बार उन्होंने कृष्णदेव राय को ललकारा है, उस कृष्णदेव राय को जो अपनी मातृभूमि के लिए और अपनों के लिए कुछ भी कर जा सकता है। कल रात से ही पंडित रामकृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं उस निर्दयी बाबर ने क्या किया होगा उनके साथ। धनी, मुझे भी शंका हो रही है, क्योंकि पंडित रामकृष्ण मुख से बोलते हैं और वो तलवार से। ऐसे में पता नहीं क्या वार्तालाप हुई होगी। वार्तालाप नहीं, समझौता हुआ है पंडित रामकृष्ण और बाबर के बीच, और उस समझौते के तहत पंडित रामकृष्ण को यहाँ से भगा दिया गया, अन्यथा रात्रि में पंडित रामकृष्ण को ही अकेले बाहर क्यों निकाला है? हमें क्यों नहीं? विश्वासघात हुआ है हमारे साथ। किंतु अब जो वो शहंशाह बाबर आपके साथ करेंगे, वो आघात ही आघात होगा। गुरुजी, आपके पास भागने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है गुरुजी? बस अब विकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प होगा, और संकल्प में विकल्प नहीं होता। मृत्यु भी हमें हमारे प्रयासों में विचलित नहीं कर सकती। मनी, अकस्मात क्या हुआ है मेरे गुरु जी को? मूर्ख वीर से अचानक शूरवीर बन गए? धनी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा अपने गुरु जी पर। परंतु हमें पंडित रामकृष्ण पर पूर्ण विश्वास है। वो आएंगे, अर्थात अवश्य आएंगे, और जो कार्य पंडित रामकृष्ण ने हमें दिया है, हम उस कार्य को पूर्ण करेंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.